नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आपका स्वागत है टीवाईजी सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश टू कमाल के सभी शोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि है दोस्तों रियलमी V5। आप सबको पता होगा कि रियलमी बहुत टाइम से अपने एक अफोर्डेबल 5G फोन की तैयारी कर रहा था जो कि रेडमी के 10X को टक्कर दे सके। सो दोस्तों, आज फाइनली रियलमी ने चाइना में लॉन्च कर दिया अपना पहला सबसे अफोर्डेबल 5G फोन, जिसका प्राइस दोस्तों इतना कम है कि आप लोग जान के खुद शौक हो जाओगे कि इतने प्राइस में तो भाई एक अच्छा 4G फोन भी नहीं मिलता जिस प्राइस में आपको रियलमी एक 5G गेमिंग फोन प्रोवाइड करा रहा है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में, जानेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशन भैया, जानेंगे कि ये फ़ोन आपका कब तक इंडिया में लॉन्च होगा एंड क्या आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर लेने चाहिए वो फ़ोन जो अभी आपके मार्केट में अवेल है। सो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर जाना, साथ ही चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऐसी कमाल की वीडियो हमेशा आप लोग लेके आते रहते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस अपकमिंग फ़ोन के बारे में जिसका नाम है रियलमी V5। ये रियलमी की एक न्यू सीरीज है जिसके अंदर रियलमी अपने 5G फ़ोन लेके आएगी, जिसमें जो रियलमी V है वो सीरीज़ का मॉडल है या फिर मॉडल नंबर बोल सकते हो रियलमी V5। एंड दोस्तों, फटाफट बात करते हैं सबसे डिज़ाइन के बारे में और लुक के बारे में, इसका डिज़ाइन एक्चुअली कैसा है। सो दोस्तों, डिज़ाइन देखने में काफ़ी कमाल लगता है, जहाँ पे फ्रंट साइड में आपको दी जाती है एक पंच होल डिस्प्ले जो कि बहुत अच्छी लगती है, साथ ही बैक साइड में आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाता है, साथ ही में एक LED फ्लैश दिया जाता है और फ़ोन में आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है। एंड दोस्तों, बात करें हम लोग इस फ़ोन के एज आ प्राइस के बारे में, उससे पहले बात कर लें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो बता दें इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले जो कि आपका बेस है 405 PPI पर, और एक IPS LCD वाला पैनल है जो कि आपका 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मतलब कि दोस्तों, जो आपका डिस्प्ले वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छा प्यारा डिस्प्ले लगता है देखने में, साथ ही डिस्प्ले उतना ही कमाल है जितना प्यारा लगता है देखने में। दोस्तों, बात करें हम लोग इस फ़ोन के ऐसा प्राइस के बारे में, प्राइस क्या होगा तो दोस्तों, प्राइस कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिव रखा है, केवल इसमें प्राइस दोस्तों है आपका करीबन 16,000 रुपये, जिसमें आपको मिल जाएगी 6GB RAM और 128GB की इंटरनल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, चाइना में इसका प्राइस इतना रखा गया है। एंड दोस्तों, अब ये नहीं पता कि इंडिया में इतने ही प्राइस होगा या थोड़ा सा अप होगा, बट दोस्तों अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो अराउंड 16,000 से 17,000 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। एंड अगर 16,000 में आपको 6GB RAM मिल रही है, 128GB की स्टोरेज मिल रही है, तो आई थिंक बहुत अच्छी डील है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों, बात करें हम लोग इस फ़ोन के ऐसा कैमरे के बारे में तो बता दें कंपनी ने कैमरे में भी काफ़ी अच्छा काम किया, जहाँ पे इस फ़ोन में आपको मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 3 सेंसर दिए जाते हैं जो कि हैं आपके 8+2+2 मेगापिक्सल के, साथ ही आपको 60 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है जो कि दोस्तों बहुत कमाल की बात हो जाती है। एंड दोस्तों, बात करें हम लोग इस फ़ोन के ऐसा बैटरी बैकअप के बारे में तो बता दें इस फ़ोन के अंदर आपको मिल रहा है 5000 mAh का बैटरी बैकअप जो कि दोस्तों आपका फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि आपका टाइप सी केबल के साथ आता है। दोस्तों, बात करें इस फोन में आपका जो इसका चार्जर है वो आपका 30 वॉट की फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, और कंपनी दावा करती है कि आप इस फोन को 65% तक 65 मिनट में फ़ोन को 100% मतलब 1 घंटे में ये फ़ोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा, ऐसा कंपनी का दावा है। एंड जब से फ़ोन लॉन्च होगा तब पता चलेगा कि भैया क्या कुछ सच्चाई है उसको लेके, बट दोस्तों बैटरी भी फ़ोन में बहुत अच्छी दी गई है अगर आप इसे कंपेयर करते हो अदर फोन के साथ। एंड दोस्तों, लास्ट थिंग बात कर ले इसमें प्रोसेसर के बारे में तो बता दूँ इस फ़ोन में आपको मिलता है मीडिया टेक का MT6853 वाला प्रोसेसर। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे भैया ये कौन सा प्रोसेसर है, सो दोस्तों मैं आपको आपकी लैंग्वेज बता देता हूँ कि इस फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो है दोस्तों आपका मीडिया टेक का डेमनेसिटी 720 वाली SoC चिप, जो कि आपकी 5G सपोर्टेबल है, मतलब कि फ़ोन का जो फ़ोन है वो 5G सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको 17,000-16,000 में एक 5G फ़ोन मिल रहा है तो आई थिंक बहुत अच्छी डील हो जाती है। एंड कंपनी के भाई अकॉर्डिंग ये फ़ोन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ये फ़ोन बहुत पसंद आया है। अब आप लोगों को क्या सजेशन होगा इस फोन के लेकर, क्या आप इस फोन को परचेस करना पसंद करोगे? साथ ही दोस्तों, आखिरी सवाल है कि ये फ़ोन आपका लॉन्च कब होगा। सो दोस्तों, बता दो लॉन्चिंग लिए इंडिया में कोई ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो आपके टैग गीकीज़ होते हैं जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये फ़ोन आपका
अगस्त के एंड तक या फिर अक्टूबर में मिड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि जो फ़ोन आपका करीबन 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा, या तो अगस्त के एंड तक आएगा या फिर अक्टूबर के मिड में कंफर्म लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो तो आप थोड़ा और वेट कर लो इस फ़ोन के लिए। फोन एक बजट किलर, मार्केट किलर फ़ोन होने वाला है, बहुत प्यारा फ़ोन होने वाला है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस फोन को लेकर मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी ऐसी औसम वीडियो देख पाओ। तो मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।